हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज है मेरी एनिवर्सरी। आज है 30 जैन, तो आज है हमारी एनिवर्सरी। और हमने एनिवर्सरी के लिए छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है, जस्ट छोटा सा, उसमें जस्ट ज़्यादा कोई है नहीं, बस मेरे टीम है। और हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। आज हमें जाना है बहुत ही जल्दी, 8 बजे का हमने प्रोग्राम रखा था। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये साड़ी। ये साड़ी जो है ये मैंने शादी में यही पहना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये साड़ी पहनूँ और अपनी शादी को याद करूँ। तो इसीलिए मैं ये साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि इस साड़ी से मेरी बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं, वो भी अच्छी अच्छी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये साड़ी पहन के मेरी एनिवर्सरी जो है वो मनाऊँगी। तो गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरा मेकअप कहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन मैंने आज आई शेडो लाया है थोड़ा, क्योंकि कभी मैं लगाती नहीं हूँ। तो आज थोड़ा मेरा वेडिंग टाइप, क्या नाम है, क्या बोलूँ, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा कि कुछ दुल्हन वाला कुछ करते, तो मैंने आई शेडो भी लगाया है। पता नहीं यहाँ तक पहुँच जाए, पता नहीं क्या होगा, आप फाइनल लुक तक देखना जरूर। तो हम लोग जा रहे हैं, मम्मी है, रिया है, रिया डार्लिंग। ओ तब आज बिहार को कति वर्ष भयो? 5 साल। तो चलो हम लोग मिलते हैं पागल। लगता ही नहीं है 5 साल, अभी लग रहा है कि वो नया शादी हुआ, नया लव एनिवर्सरी लग रहा है मुझे। ये क्या सिंदूर विंदूर क्या, मुझे तो 1 साल का वो लव एनिवर्सरी लग रहा है। अब हम जा रहे हैं बागा, ठीक है, सब लोग बागा में आ चुके हैं और हम मिलेंगे बागा में। तो चलो बागा, चलो देखो पुतुल क्या, पुतुल सच क्या है, पुतुल चलिए, पुतुल डॉल बोले, डॉल अब लाल लाल बन गया, लाल लाल, रेड रेड रेड। तो गाइस, ये है छोटा सा डेकोरेशन जो हमने करा है फोटोशूट के लिए। छोटा सा ही है लेकिन सुंदर है। मैंने बोला था कि कुछ सिंपल सा ही रखने के लिए, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब लोग बोल रहे, मैंने उनको कहा था कि कौन कौन क्या खाएगा बोलो, तो सब ने अपना अपना बता रहे थे, ठीक है, सब अपने अपना बता रहे थे, लेकिन खाएंगे तो वही जो मैं खिलाऊँगी। ये लोग कुछ ऑर्डर कर रहे थे, तो मैंने बोला कि देखो गर्ल्स, जितने भी कुछ भी तुम लोग बोल लो, खाओगे तो वही जो हम खिलाएंगे। तो ये हंस रहे थे, फिर उन्होंने कहा नहीं देखेंगे, फिर हमें नहीं देखना है। और यहाँ पे आ चुके हैं विक्रम भाई। विक्रम भाई बोल रहे थे सॉरी राखी दीदी, मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा काम है। फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट करा, मैंने एक्चुअली ये अभी मेरे से चाबी मांग रहे थे, मैंने इनका चाबी रख लिया था, मैंने कहा हम देंगे नहीं, आपको यहाँ पे रहना है। उन्होंने बोला कि राखी दीदी ऐसा मत करे, मेरा काम छूट जाएगा। मैंने बोला काम को चलो मारो गोली, आज आप यहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्नैक्स ऑर्डर करे थे, जैसे कि कॉफ़ी, ठीक है, और यहाँ पर कुछ स्नैक्स, पकौड़े, हम इंडियन हैं तो पकौड़े तो हमारे फेवरेट ही होते हैं। तो यहाँ पे सब ने अपने अपने स्टार्टर्स इंजॉय करा। उसके बाद आते हैं हमारे हीरो। कि हीरो लोगों को मैंने कहा था कि 8 बजे तक, 7 बजे तक पहुंच जाना, लेकिन ये लोग आए थे 8:30 बजे। पता नहीं, बोल रहे थे कि थोड़ा लेट हो गए ये लोग। ये देवा और राहुल हमेशा लेट करते हैं। आज ये पार्टी में आते वक्त भी ये लोग लेट ही कर रहे थे। और वो जो देख रहे थे ना अभी, वो है राजा भाई, बहुत ही अच्छे, वो राहुल के बड़े ब्रदर है, बड़े भैया है, बड़े भैया, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा भाई है, ठीक है,
बहुत ही मस्त है, मस्त है, जो भी बोलो मस्त है। और ये राजा और मिमी था, कुछ फ़ोटो शूट कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि फ़ोटो वोटो क्लिक कर दो। एक्चुअली ये दोनों भी दोस्त ही है, और यहाँ पे ना मैंने कहा इतना लेट क्यों हुआ, तो इसने कहा कि राजा की वजह से, क्योंकि राजा ना बहुत सारा ड्रेस इधर उधर पहन रहा था, क्योंकि उसको हैंडसम दिखना था फ़ोटो क्लिक करते वक्त। फिर मैंने इसको पूछा तू लेट क्यों करा, इसने कहा राहुल ने लेट करा है, मैंने लेट करा ही नहीं। फिर मम्मी को मैंने, यहाँ पे ना मैं बोलूँ हमने बहुत इन्जॉय किया ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, मुझे वॉइस ओवर पता है क्यों करना पड़ा, क्योंकि ना यहाँ पे गाना बज रहा था, हमने हमारा उस वक्त दिमाग आया ही नहीं कि हम गाना म्यूट करें, हम सबने अपने अपने मस्ती में थे ठीक है। तो मुझे ना अभी यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये देखो आज उनका 5 साल हो गए, कुछ बोलोगे नहीं, तो उन्होंने बहुत कुछ हंसते हुए बोला कि क्या बोलूँ मैं, एक बात बोलूँ मुझे ना ये वॉइस ओवर करना आता ही नहीं है ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ना बोर मत हो जाना ठीक है, क्योंकि ना मेरा हिंदी उतना क्लियर है नहीं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि मुझे प्रॉपर ऐसे बोलना होता है ना, जैसे कि आपने देखा ही होगा दूसरों के ब्लॉग्स में बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, तो वो मुझे आता नहीं है। प्लीज़ आप वो सब इग्नोर करिए ठीक है, और यहाँ पे इन लोगों को फोकस करिए, और हमारे हीरो लोगों को फोकस करिए, और ब्लॉग को इन्जॉय करिए। ये देखो सिमी और राहुल का कुछ यहाँ पे जुगलबंदी हो रहा था, ये लोग बहुत लड़ते हैं, बहुत बहुत बहुत, आज के दिन भी लड़ रहे थे, क्या ही बोलूँ। तो आप लोग प्लीज़ इन लोगों को फोकस करो और मेरे वॉइस को थोड़ा इग्नोर करिए। और यहाँ पे एक्चुअली मैं बोलूँ ये राहुल जो है ना, ये लोग मेरे भाई हैं, मैं इन लोगों को बहुत मानता हूँ और ये लोग मेरी बहुत बात सुनते। और लेकिन ये मिमी और सिमी जो लड़कियाँ हैं ना, ये भाई ये दीपक के बहुत बात मानते हैं, ये ना मेरी बातों को तहजु भी नहीं देते। लेकिन हाँ ये जो है ना राहुल देवा राज जितने भी हैं यहाँ पे लड़के, ये लोग ना मेरी बात ऐसे मानते हैं जैसे कि मेरी बातें इनके लिए लक्ष्मण रेखा हो। और ये लड़कियाँ दीपक की उतनी बातें नहीं मानते, मेरे ही ज़्यादा, मेरे भाई है तो मेरे बात ज़्यादा मानते हैं, तो मेरा वोट तो मेरे भाई की तरफ ही जाएगा। तो ये वॉइस ओवर आप प्लीज़ इग्नोर करिए, और ये आप मोमेंट इन्जॉय करिए, हमने बहुत मस्ती करा है और मैं चाहती हूँ कि आप भी ये मोमेंट इन्जॉय करो। उसके बाद आता है ये केक काटने वाला मोमेंट, और यहाँ पे हम सब रेडी हो गए थे, और यहाँ पे लगभग 10 भी बजने ही वाला था, नहीं 9 बजे हम केक कट, हमने 9 बजे केक काटा था। और ये जो जो लाइट जो था ना हमारे मतलब फेस में नहीं आ रहा था, तो एक भाई ने आके वहाँ के जो जिनका रेस्टोरेंट है वो भाई आया, उसने लाइट ऑफ करा। फिर विक्रम ने कहा था कि नहीं नहीं अच्छा नहीं आ रहा है, तो लाइट जला देना चाहिए, तो उन्होंने फिर से लाइट जलाया। उसके बाद हमने थोड़ा फ़ोटो शूट करे। यहाँ पे राहुल जो है वो मेरा फ़ोटो क्लिक कर रहा था, मैंने कहा था कि अच्छा अच्छा फ़ोटो आना चाहिए। एक्चुअली विक्रम भाई भी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, लेकिन फ़ोन से अलग से फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो यहाँ पे आता है हमारा केक काटने का टाइम। केक काटने की बारी आती है, तो मैंने ना दीपक से कहा कि केक काटने से आगे मुझे कुछ कहना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या। मैंने ये कहा कि 5 साल बहुत ही अच्छे बीते हैं, मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से हमारे जितने भी हम जितने दिन भी रहे एक साथ ही रहे। और मैं ये भी चाहती हूँ, मेरा ये भी विश है कि मैं अगर मेरा जन्म भी होता है तो, और एक जन्म तो हो गया, और 7 जन्म मैं आपकी पत्नी ही हो के रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी आपके साथ ही हो, मेरे पति के रूप में मुझे आप ही मिलो, क्योंकि ना दीपक ना जो है वो बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड है, ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरी दुनिया ना मेरे ही पति है सच में। मुझे ना, मैं एक बात बोलूँ, प्यार का मतलब ना मुझे शादी के बाद ही एक्चुअल में पता हुआ है कि प्यार इसे कहते हैं, क्योंकि ना प्यार का मतलब वो है जिसको देख के आप वहीं पे रुक जाओ, ठहर जाओ, तो वो ठहराव जो है ना वो है मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड के अलावा, ठीक है मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड के अलावा, शादी के बाद मेरे हस्बैंड के अलावा मुझे कोई भी हैंडसम लगा नहीं है,
सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है, बता रही हूँ। मुझे मेरे पति बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, और भीड़ जितने भी लड़के रहे, ठीक है, हैंडसम हैंडसम, लेकिन मेरी नज़र जो है ना वो दीपक पे जाके पता नहीं क्यों टिक जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो मुझे लगता है कि वही प्यार है जिसको देखकर आप ठहर जाओ, तो वो है मेरे हस्बैंड। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, समझ गए। आई लव यू सो मच, आप भी बोलो ना आई लव यू टू। तो ये जो मेरे ये जो मेरे पति परमेश्वर है ना, बहुत ही अच्छे। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं मुझे दीपक जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। आई होप, मैं आशा करती हूँ, प्रे करती हूँ कि सब लड़कियों का ना, लड़कियों को ना मेरे पति जैसे, मतलब दीपक दीपक की तरह लड़के मिले एज अ जीवन साथी। क्योंकि मेरे पति जो है ना बहुत ही सपोर्टिव है, ठीक है, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मुझे किसी चीज़ की कमी होने नहीं दिया है, ठीक है, कभी रोने का मुझे उन्होंने कभी भी मौका दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद ना मैं बोलूँ, मुझे ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मेरे पति ही करते हैं, मुझे ये फील होता है। समटाइम नहीं, मुझे एक्चुअली ये फील होता है कि मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पति जो है मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वो बच्चों को माँ बाप ना प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि ना शादी के पहले मैं थोड़ा रोती थी, ठीक है, थोड़ा मेरा लाइफ थोड़ा रोंदू टाइप का था, दुख कष्ट से भरा हुआ था मेरा शादी से पहले लाइफ, लेकिन जैसे ही दीपक के साथ मैं रिलेशन में आई ना, बस सब कुछ मेरा ठीक हो गया। और जैसे इनका नाम दीपक है, वैसे ही मेरी अंधकार जिंदगी में भी रोशनी आया है, और सच में ये मेरे लिए सुपर हीरो ही है। तो मुझे पता है, मेरे हस्बैंड को पता है ये बात कि मैं उनको, मेरे लिए वो बहुत ही लकी है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे पति ना मेरे लिए लकी चाम है, और मेरे सुपर हीरो भी यही है। सारी लड़कियों के सुपर हीरो उनके भैया, उनके पापा होते हैं, लेकिन मेरे मामले में थोड़ा अलग है। मेरे मामले में मेरे पति मेरे सुपर हीरो है, क्योंकि आज तक उन्होंने मेरी ऐसी कोई विश नहीं है जो उन्होंने पूरी ना करी हो। कुछ भी मैंने मांगा हो शिद्दत से उन्होंने पूरा करा है, ठीक है। तो क्या ही बताऊँ मैं उनके तारीफ में, मैं जितनी भी बोलूँ ना, मैं अगर रात भर मुझे बोलने के लिए कहा जाए मेरे पति के लिए ना, तो मैं रात भर बोलने के लिए भी तैयार हूँ कि मेरे पति, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला है। कभी कभी हाँ फाइटिंग हो जाती है, लेकिन पति पत्नी में जितना लड़ाई उतना ही प्यार बढ़ता है, वो कहते हैं ना, वो वैसे ही है। तो और मैं क्या ही बताऊँ, 5 साल ऐसे पूरे हो गए, मैं चाहती हूँ कि और छठवा छः जन्म ऐसे ही बीत जाए, बस। और क्या बोलूँ, आप ब्लॉग एंजॉय करो और मेरे बातों को ज़्यादा फोकस मत करिए। फिर यहाँ पे शुरू होता है हमारा फोटो सेशन, जो कि हमने शादी में अपने, मैं बताऊँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, हमारी शादी में ना हमारा जो फोटोग्राफर है ना वो था नहीं, ठीक है।
तो क्योंकि हमारी शादी हमने सोचा था कि बहुत सिंपल रखेंगे, लेकिन इस चक्कर में हमने फोटोग्राफर को बुलाया नहीं है। आया था लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, फोटोग्राफर आया था, कैमरा भी आया था, फोटोग्राफर भी आया था, लेकिन उस वक्त ना हमको एक भी नॉलेज नहीं था, हमें नॉलेज ही नहीं था 5 साल पहले कि फोटोशूट कैसे कराया जाता है या फिर कैमरा मैन को बुलाया कैसे जाता है। उस वक्त मैं थोड़ी सीधी सादी बोली वाली थी, एक्चुअली मैं अभी हूँ नहीं, मेरे पति को भी उतना आइडिया था नहीं, लेकिन फोटोग्राफर आया था, फोटो कैसे क्लिक करना जाता है मुझे पता नहीं था। और हमारी शादी में जो था ना, क्या हुआ था, हमारी शादी में थोड़ा झगड़ा हो गया था तो उस वजह से भी हम फोटोशूट नहीं कर पाए। हर इंडियन शादी में आपको तो पता ही, लड़ाई होना ही है, कलेश होना ही है, हमारी शादी में भी सेम हुआ था, कलेश होना ही था, और कलेश हुआ था, उसकी वजह से फोटोशूट हुआ नहीं। और जैसे ही हम लोगों का बहुत फोटोशूट होने ही वाला था, उसके बाद हो गया कलेश, उसके बाद कैमरामैन चले गए घर, क्योंकि क्या ही बताऊं मैं आपको। तो मैंने सोचा था कि हम बहुत ही अच्छे फोटोशूट करेंगे, ये सारे फोटोज ना आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, प्लीज जाइए और मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब ओके बन जाओ फॉलो करिए क्या बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए फॉलो करिए और इंस्टाग्राम फैमिली भी बन जाएंगे मेरे साथ, अगर आपको आप चाहते हो कि आप मुझे पर्सनली जानो, ठीक है। वैसे अगर आप मुझे पर्सनली जानोगे ना तो आपको मेरे साथ प्यार हो जाएगा सच्ची, और बोलेंगे राखी दीदी ईस्ट और वेस्ट, राखी दीदी इज बेस्ट, समझ गए ना, हम इतने अच्छे हैं, हम बता रहे, खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए लेकिन हम करते हैं, क्योंकि बेइज्जती लोग करने के लिए बैठे हुए तो हमेशा खुद की तारीफ करो, ठीक है। यहाँ पे मिमिता जो है वो हमें सिखा रही है कि कैसे फोटो हमें शूट करना है, हमारा कैसे हमारा फेस होगा, कहाँ किस तरफ दिखना है, तो ये मिमिता हमें गाइड कर रही है, हमने बस उसको फॉलो किया है, बोला था कि भैया ऐसे करो वैसे करो, और ये फोटो खींचने वाले तो है ये प्रभाई, ये विक्रम भाई के बारे में मैं कुछ तारीफ कर देना चाहती हूँ, ठीक है, ये सच है, ठीक है। ये विक्रम भाई ना बहुत ही अच्छे कैमरामैन है, बहुत ही अच्छे। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेडिंग, आपकी शादी, अगर आप सिलीगुड़ी से हो और आपको फोटोग्राफर चाहिए, कैमरामैन चाहिए, प्री वेडिंग, वेडिंग सिनेमैटिक कुछ भी अगर चाहिए हो तो प्लीज आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आइए और मुझे बोलिए, मुझे डीएम करिए, ठीक है। मैं आपको विक्रम भाई का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम आपको विक्रम का भी क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाके उनसे बात कर सकते हैं, कर सकते हो, आप कहीं से भी हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे कैमरामैन है, प्रोफेशनल, बहुत बहुत बढ़िया, एक बार आप उनके साथ काम करके देखिए गाइस, सच बोल रही हूँ मैं, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि ये भाई ना बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा। अभी देखो सिमी का टैलेंट देखो गाइस, ले और इसके राजा वर्सेस रिवल देगी और झोले पूरे छाई गई इसके, देखो गाइस देखो फिर यहाँ पे शुरू होता है हमारा डिनर टाइम, हम यहाँ पे डिनर के लिए बैठे हैं, यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी, पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी। हमने बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल तरीके से ये जो था पार्टी बन जानी पार्टी रखा है, किसी को भी नहीं बुलाया है, क्योंकि ना वैसे मैं 5 साल हो चुके थे हमारी शादी को, इन 5 सालों में हमने एक केक भी नहीं काटा था, ना ही छोटा सा भी केक हमने नहीं काटा
था, कोई सेलिब्रेशन हमने नहीं किया था। हम घूमने वूमने भी शायद हम मुझे याद नहीं है हम गए होंगे या नहीं, क्योंकि हमने शादी का कभी भी सेलिब्रेशन मनाया ही नहीं इन 5 सालों में। लेकिन यही साल जो था 5 साल भी हुआ था और हमने छोटा सा ही पार्टी रखा, ज़्यादा कुछ लोग मैंने बुलाया नहीं, सब ये मेरे टीम थे। और मेरा टीम जहाँ पर होता है मुझे लगता है कि मेरी ये लोग मेरे बस टीम नहीं है, ये लोग मेरे फैमिली की तरह ही है, इन लोग के साथ रहती हूँ तो बस, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं बोलूँ मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे ना भीड़ नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे 2-3 गिने चुने लोग जो मेरे दिल के करीब हो, मेरा यही प्रॉब्लम है। मैं ना उन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ जो मेरे दिल के करीब रहे, जो मुझे एक्चुअल में प्यार करे, ठीक है, मुझे उन लोगों के साथ रहना पसंद है। जो ना मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, उनके साथ मैं नहीं रह पाती हूँ, मैं उनको पहले से ही दूर कर देती हूँ खुद से, क्योंकि मैं नहीं रह पाती हूँ। जो जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ ना, मैं उनके साथ रह ही नहीं पाती हूँ, मुझे फेक बनना ही नहीं है। ये जो जितने भी है ना मेरे साथ, ये सब मेरे दिल के करीब है और मुझे इतना पता है कि मैं भी इनके दिल के बहुत करीब हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी मेरी दीदी मेरी फैमिली को भी नहीं बुलाया है, क्योंकि मेरा फैमिली आपको पता ही है मेरा घर बहुत ही दूर है और इतने दूर से वो लोग कैसे आते, क्योंकि ये जो था हमारा रात का पार्टी था मैंने उनको बुलाया था, फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, दूर भी बहुत है, सब अपने अपने काम, सबको अपना अपना काम करना पड़ता है और सब लोग अपने अपने काम में थे, तो इसीलिए वो कोई भी नहीं आ पाए, मैंने बुलाया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल अगर आपका प्यार सपोर्ट इसी तरह से रहा तो बहुत धूम धड़ाके से हम अपने वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, मेरे ब्लॉग चैनल को 100K कर दीजिए गाइस, प्लीज़ कर दीजिए मुझे ना। ये आर के आर ब्लॉग्स मैंने अभी नाम रखा है, वैसे तो पहला नाम था राखी गुलुंगरा, ये आर के आर ब्लॉग्स मैंने इसीलिए रखा है ताकि मैं आर के आर एल्बम के साथ कनेक्ट रह पाऊँ और आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो राखी लिखने में, इसीलिए आर के आर लिख दिया। और आर के आर का मीनिंग भी है राखी गुलुंगरा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और मैं मेरा ये वॉइस ओवर में बार बार बोल रही हूँ, मेरा ये वॉइस ओवर बहुत ही गंदा है, ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर करिए और आप पार्टी इंजॉय करिए। मेरा वेडिंग है, ऐसे ही हुआ है हमारा वेडिंग। गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ घर, ठीक है, अभी हम बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, बहुत सच में बहुत ज़्यादा हो गया, एनिवर्सरी मेरा हो गया है ख़त्म, ठीक है। और अब मैं आ चुकी हूँ घर, सब कुछ हम लोग का हो गया। मैं दिखाऊँ ये देखो, ये देख रहे हो, ये परिस्थिति देख रहे हो, ये सब मैंने करा है, अब ठीक करेगा कौन, आप मेरे हेल्प करोगे नहीं, ऐसे बोल रहे हो, शादी करा था क्यों जी, आपका परछाई बनेंगे बोला था आपने मुझे, अच्छा ऐसे कुछ है, ठीक है, प्रवचन है, अपना काम स्वयं करो, किसी पे निर्भर मत रहो। तो गाइस ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड हो जाता है, आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा है, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे कमेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और हाँ कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और ना मेरे जितने भी फोटोशूट हो गए वो सारे के सारे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको फटाक से जाना है और मुझे वहाँ पे फॉलो करना है और हम वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, फैमिली बन सकते हैं, ठीक है। आपको भी आपको मेरे इंस्टाग्राम में स्वागत है तहे दिल से। और मैं बोलूँ आज का मेरा दिन जो है बहुत ही अच्छा गया, 5 साल पहले शायद आज का दिन अच्छा शायद नहीं गया होगा, क्योंकि शादी था, भीड़ भट्टा, कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग थे, ठीक है। लेकिन आज वही लोग थे जो मेरे दिल के करीब थे, तो मुझे बहुत सारे लोग नहीं पसंद है मुझे। और मेरा एक सिस्टम है कि मुझे ना भीड़ में रहना पसंद नहीं है, मुझे अपनों के बीच रहना पसंद है, तो ये जितने भी थे वो सारे मेरे दिल के करीब थे, सारे मेरे अपने थे। और हाँ मैं अपनी फैमिली को थोड़ी मिस कर रही थी, क्योंकि अगर वो होते तो और 4 में चांद लग जाती, जैसे कि मेरी दीदी, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बड़ा भाऊ, मेरी बड़ी अम्मा, मेरी माँ, वो अगर रहते तो 4 में चांद आ जाती,
उनकी थोड़ी सी कमी खली, लेकिन कोई ना, वो लोग बहुत दूर रहते हैं और मैं यहाँ रहती हूँ, कोई ना। लेकिन ये मेरी जो टीम है वो भी मेरे फैमिली से कम नहीं है। अगर वो होते हैं ना तो मुझे कभी कभी फैमिली की भी याद नहीं आती, कभी कभी। लेकिन फैमिली तो फैमिली होती है ना, माँ तो माँ होती है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाता है, और मिलेंगे हम नेक्स्ट ईयर फिर नया। अरे मिलेंगे तो वैसे हम मिलते रहेंगे, लेकिन हाँ फिर अगले साल अगर जिंदा रही तो फिर ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। और मस्त एनिवर्सरी मनाऊंगी अगर मैं अगले साल तक जिंदा रही तो। अगर आप लोगों का दुआ रहा तो, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अगले साल ग्रैंड होगा। तो आशा करती हूँ कि ग्रैंड हो, और वीडियो यहीं पे एंड हो जाते। आ जाओ ना, आप कुछ कभी भी बोलते ही नहीं हो, हमारे फैमिली है। टाटा अपने फैमिली को सिनेमैटिक में करके रखते हैं ना। रेडी, चलो हम ब्लर हो गए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, और प्यार थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए इतना सारा, और आगे भी इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखेगा। थक गया पूरा, बहुत थक चुके। ओ किच करो नहीं थक गए तो बाय बाय गाइस। क्या करूँ, मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है आपको छोड़ के, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। तो क्योंकि जाऊंगी तभी तो आऊंगी ना फिर नए ब्लॉग के साथ। तो मिलते हैं, बाय बाय, आई लव यू ऑल।